लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या खुद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बनना चाहते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी आरजेडी के अधिकतर कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं। पार्टी की स्थापना दिवस हो या फिर आरजेडी की सदस्यता अभियान, तेजस्वी कहीं नहीं दिखाई पड़े। पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं। तेजस्वी की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वे लालू पार्टी को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लालू की कुर्सी पर तेजस्वी की नज़र, हालांकि पार्टी के नेताओं के पास इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है और जिसके पास जवाब है वो खुद लापता है। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि तेजस्वी अंदर ही अंदर कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी के नेता तो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता संजय सिंह साफ कहते हैं कि तेजस्वी यादव की नज़र लालू यादव की कुर्सी पर है और वह इस पर कब्जा करने की जुगत में लगे हैं। लालू ने पकड़ ली तेजस्वी की चाल। संजय सिंह कहते हैं तेजस्वी के तौर तरीके और हरकतों से साफ समझा जा सकता है कि वे अपनी बड़ी बहन मीसा भारती और बड़े भाई तेज प्रताप यादव को किनारे करने में लगे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे। मुलायम सिंह यादव की तरह लालू ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएंगे जिससे उनके हाथ से सत्ता भी चली जाए और अखिलेश यादव की तरह तेजस्वी उन पर भी हावी हो जाएं। राजनीतिक जानकारियों की माने तो लालू यादव अपने रहते तेजस्वी यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनने नहीं देंगे। हालांकि इस मामले पर आरजेडी के नेता खुले तौर पर कुछ भी नहीं कहते, लेकिन पार्टी के भीतर अंदर खाने में इस बात को लेकर बेहद असमंजस की स्थिति है कि तेजस्वी यादव आखिर पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी क्यों रखे हुए हैं। पार्टी के कई बड़े नेता इस सच्चाई को जानते भी हैं, लेकिन साफ साफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। खुलकर नहीं बोल रहे हैं आरजेडी के नेता। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी लालू यादव को जबरन पलट कर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। हालांकि हमको ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर वे दूरी क्यों बनाए हुए हैं। तिवारी कहते हैं कि लालू यादव ने पूरा भरोसा कर उन्हें अपनी विरासत सौंपी है। यह पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर पार्टी में ऐसी स्थिति क्यों उभरी है, क्या होगा खींचतान का अंजाम। बहरहाल लालू यादव ने तेजस्वी यादव को भले ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया हो, लेकिन परिवार के भीतर इस बात को लेकर ना सिर्फ मनभेद और मतभेद है, बल्कि लोकसभा चुनाव में तो तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष सबके सामने कई बार उजागर भी हो चुका है। लालू परिवार के भीतर एक तरफ तेजस्वी तो दूसरी तरफ तेज प्रताप मीसा भारती ताल ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर लालू परिवार के भीतर आखिर इस प्रतियोगिता का क्या अंजाम होता है।